मेरी छोटी सी नाव है, तेरे जादू भरे पांव प्रभु कैसे मैं बिठाऊं तुम्हें नाव में। जयपुरा में चल रही श्री राम कथा के सप्तमन दिवस के कथा आचार्य पंडित राजू शर्मा ने दिया सन्मध्य का अंत संदेश। संतोष योगी की खबर भोपाल से, तेज जादू भरे पांव मेरी छोटी सी है नाव, प्रभु कैसे तुम्हें बैठाऊं मैं नाव में। यह अत्यंत सरल और सरस भाषा में ये उद्धार व्यक्त किए गुणगार निवासी पंडित राजू शर्मा ने। समीपस्थ ग्राम जैतपुरा में ग्रामीणों के सहयोग से चल रहे श्री राम कथा महोत्सव के सातवें दिवस रविवार को श्री रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन करते हुए पंडित राजू शर्मा ने संपूर्ण जनमानस को सन्मति और सुमति का संदेश दिया। मांगी नाव न केवट आना, कही कुमार मर्मो में जाना। रामचरितमानस की इन पंक्तियों का सब प्रसंग वर्णन करते हुए पंडित शर्मा ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भले ही जगत के लिए भगवान है, किंतु उन्होंने मानव जीवन की मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने वनवास में श्री गंगा जी से पार उतरने के लिए गरीब आदिवासी नाविक केवट से बहुत ही अनुग्रहपूर्ण शब्दों में विनती की कि भैया हमें गंगा पार उतारना है, अतः आप अपनी नाव से हमें गंगा पार करा दीजिए। उधर केवट प्रभु के चरित्र को, प्रभु की महिमा को, प्रभु के चमत्कारों को जानता था। उसने कहा कि प्रभु जब आपकी चरण रज को पाकर एक ही पत्थर की शिला नारी बन सकती है तो मेरी यह तो काठ की नैया है जो मेरे परिवार के पालन पोषण का एकमात्र सहारा है। यदि आपके चरण से नारी बन गई तो मुझ गरीब का क्या होगा। और कई जन्मों से उद्धार का इंतजार कर रहे पूर्वजों सहित पूरे परिवार को केवट ने भवसागर से पार करा दिया। जहाँ सुमितता संपत्ति नाना पंक्ति का संगीत में वर्णन करते हुए कहा कि यदि परिवार में सभी जन एकमत हो, जहाँ सुमित हो वहाँ किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आ सकती, भले धन की कमी हो लेकिन कोई कार्य रुक नहीं सकता। आचार्य पंडित राजू शर्मा ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में रामचित्रकूट में भरत मिलाप तक विभिन्न लीलाओं का संगीत में वर्णन किया, जिस पर कथा पांडाल में उपस्थित जन समुदाय बार बार झूम उठा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश मीना समाज सेवा संगठन के प्रदेश संगठन महामंत्री एडवोकेट संतोष मीना, प्रदेश कोषाध्यक्ष हरिगोविंद मारन, प्रदेश प्रचार मंत्री भैयालाल मारन, प्रदेश कार्य समिति सदस्य हरभजन मीना, वरिष्ठ समाज सेवी और आचारपुरा मेला ट्रस्ट कमेटी के संस्थापक सदस्य मर्दन सिंह मीना के अलावा आयोजन समिति के प्रकाश चौक से अजीत सिंह मीना, सरपंच भूरा शर्मा, पंडित बाला प्रसाद शर्मा सहित आसपास के ग्राम मुड़ियाखेड़ा, गुनगा, काशी, बरखेड़ा, दुपाड़िया, बेरखेड़ी, रतुआ, लंबा खेड़ा, करौंद आदि क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु महिला पुरुष कथा पंडाल में मौजूद थे। इस अवसर पर आयोजन समिति की ओर से विशाल भंडारा भी किया गया। समिति सदस्य प्रकाश चौकसी ने बताया कि 22 मई 2023 से शुभारंभ कोई श्रीराम कथा का 30 मई मंगलवार को पूर्ण आहुति यज्ञ एवं विशाल भंडारे के साथ विश्राम होगा। हमारे मेरे तो जीवन में मैंने पहली बार ऐसा अस्त्र वादन देखा है हमारे गाँव में। भगवान मांग रहे संसार को देने वालों, क्योंकि महाराज सभी का स्वागत भी करना पड़ता है, तो आपसे तो महाराज हमको पता सीखना है, मेहमानों का स्वागत तो करना पड़ता है, क्योंकि अतिथि परंपरा है, अतिथि देवो जो मेहमान आते हैं। सारे संसार को देने वाले आज मांग रहे राम जी को, गांव है श्री राम कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है। श्री राम कथा सुनने से संसार के पाप समाप्त हो जाते हैं, कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाली भगवान की मंगलमयी कथा, जो उसे श्रवण करके अपने जीवन में उतारते हैं, उन मनुष्यों का, उन जीवों का कल्याण हो जाता है, क्योंकि राम कथा कली विकट होकर कलयुग के समस्त पापों को
नाश करने के लिए भगवान की कथा पुनारी के समान समस्त कलयुग के पापों का नाश कर देती है और व्यक्तियों के यानी जीवों के अंदर सुमति प्रदान करती है, सुमति का निवारण करती है। ऐसी भगवान की मंगल कथा है। जो मंगल कथा का श्रवण करते हैं, दान करते हैं, श्रवण करके दान करके जीवन में उतारते हैं, उन समस्त जीवों का समस्त प्राणियों का भगवान की कथा मंगल करती है। क्या संदेश जीवों में? जीवों का संदेश यह है कि सभी प्रेम करें आपस में, एक दूसरे से सुमति बनाए जाए, किसी के मन में किसी प्रकार का राग द्वेष ना हो, किसी के मन में किसी के प्रकार की घृणा ना हो, सभी लोग सुमति बनाकर रखें। समान जैसे भगवान ने रामचरितमानस के रूप में संदेश दिया, जैसे राम जी ने मृत्यु लोक में धरा धाम के अवतार लेकर समस्त संसार के जीवों को ये प्रेरणा दी, जैसे राम राम एक नर है, चरित्र यानी जो जीव को चरित्र करना चाहिए, मानुष जो मनुष्य है उनको क्या चरित्र करना चाहिए, राम की कथा चरित्र में संकेत देती है कि व्यक्ति को क्या करना है। मुझे एक प्रश्न हो रहे, आज तक संत बड़े वो दिखावे में रहते हैं, आप भी साधारण संत क्या बात है? क्योंकि आजकल वो बड़े बड़े संत हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय, हम कुछ नहीं है, हम तो भगवान की कृपा से जो भगवान ने हमें दे दिया और भगवान की मंगल में कृपा से रामचरित मानस की कृपा ही भागते हैं। संकल्प भगवान में सर भगवान।